छह कुख्यात लुटेरे गिरफ्तार, पांच लूटे गए फोन बरामद। द्वारका जिला पुलिस ने चोरी और लूट के छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पांच मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इन गिरफ्तार छह बदमाशों में से पांच रिसीवर है और एक लुटेरा है। पकड़े गए बदमाशों की पहचान शंकर घोडियाल, विद्यासागर, सुरेश महतो, राजू, मोहम्मद साहिल और रिंकी के रूप में हुई है। द्वारका जिले के DCP एम हर्षवर्धन ने बताया कि डाबरी थाना पुलिस द्वारा चलाए गए एक विशेष अभियान में छह कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से पांच रिसीवर है और एक लुटेरा है। इन बदमाशों के कब्जे से लूटे गए पांच मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। द्वारका थाने की पुलिस ने इन सभी छह बदमाशों की निगरानी और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर गिरफ्तार किया है। लूटे गए चार मोबाइल फोन इनके कब्जे से बरामद किए गए हैं। बरामद मोबाइल फोन के साथ रिसीवर से संबंधित चोरी के सामान में इनसे पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान सीतापुरी निवासी शंकर घोडियाल, विद्यासागर, सुरेश महतो, राजू, मोहम्मद, साहिल और सीतापुरी निवासी रिंकी के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से चार मोबाइल बरामद करके इनके खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ बदमाश और लुटेरे का गिरोह चोरी का माल खरीदने वाले रिसीवर ये नहीं जानते थे कि एक दिन उनको भी पुलिस का सामना करना पड़ेगा। वो इन बदमाशों से काफी कम पैसों में माल खरीद कर आगे महंगे दामों पर बेचते थे। अब ये सभी पहुंच गए हैं हवालात। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।